भारत को घेरने की रणनीति पर काम करते हुए चीन ने श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह का निर्माण शुरू किया था। उस समय भारत की कूटनीति पर तरह तरह के सवाल उठे थे, पर उस समय दुनिया में मोदी युग की शुरुआत नहीं हुई थी। जब तक मोदी सत्ता के अधिनायक बनते, श्रीलंका चीन के कर्ज जाल में बुरी तरह जकड़ चुका था। दुनिया में चल रही चीनी परियोजना बेल्ट एंड रोड के अंतर्गत चीन ने हम्बनटोटा पोर्ट को विकसित करने के लिए $1 अरब से ज्यादा का कर्ज दिया, जिसके बाद श्रीलंका ने कर्ज न चुकाने की स्थिति में हाथ खड़े कर दिए। बदले में चतुर चीन ने 99 साल के लिए बंदरगाह को लीज पर ले लिया। श्रीलंका तो हम्बनटोटा को चीन के हवाले करके अपनी गर्दन बचा गया, मगर मुसीबत भारत के सामने खड़ी कर दी। किसी भी युद्ध की परिस्थिति में चीन हम्बनटोटा बंदरगाह से आसानी से भारत पर हावी हो सकता था। भारत को यही चिंता सता रही थी कि इस संकट से कैसे चीन की बराबरी पर आया जाए। इसके लिए मोदी के सदाबहार मित्र शिंजो आबे ने व्यक्तिगत और कूटनीतिक प्रयास करके भारत के साथ एक नई योजना का प्रारूप तैयार किया, जिसके बाद श्रीलंका के साथ भीतरखाने कई मुलाकातें और वार्ताएं हुई। चीन को तो अब जाकर पता चला है कि भारत और जापान श्रीलंका एक साथ मिलकर कोलंबो बंदरगाह को विकसित करने की योजना का मसौदा फाइनल कर चुके हैं। मतलब अब चीन के हाथ पांव फूलने की बारी है। कल तीनों देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए और चीन अपने ही घर में तिलमिलाकर रह गया। मतलब चीन को इस बात की हवा तक नहीं आई कि जापान और भारत श्रीलंका में उसके सिराने बैठ चुके हैं। कोलंबो पोर्ट के लिए हुए करार के तहत भारत और जापान कोलंबो पोर्ट के पूर्वी हिस्से पर डीप सी कंटेनर टर्मिनल बनाएंगे। श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक बंदरगाह के जरिए होने वाला 70% व्यापार भारत के साथ जुड़ा है। इससे पहले केवल जापान 1980 से इस पोर्ट के टर्मिनल को विकसित करने का काम कर रहा था, जिसमें अब जापान ने भारत को भी शामिल कर लिया है। बड़ी बात देखिए, इस समझौते के बावजूद बंदरगाह का मालिकाना हक श्रीलंका के पास ही रहेगा, यानी यह ठगदास चीन के बिल्कुल उलट है और श्रीलंका की संप्रभुता का सम्मान किया गया है। इसमें ऐसी कोई शर्त नहीं है जिसमें चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना की तरह कर्ज न चुकाने की स्थिति में हम्बनटोटा को 99 साल के लिए लीज पर देना पड़ा था। इस समझौते के मुताबिक श्रीलंका प्रोजेक्ट के 51% हिस्से को नियंत्रित करेगा, जबकि भारत और जापान 49% प्रोजेक्ट को नियंत्रित करेंगे। अब इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने के लिए तीनों देश साझा मुलाकात शुरू करने का प्लान बना रहे हैं। खास बात यह है कि श्रीलंका राष्ट्रपति गुरुवार को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में आ रहे हैं। पर मामला केवल यहां तक नहीं है। कुछ समय पहले ऐसी अफवाह उड़ी थी कि हम्बनटोटा पोर्ट पर बढ़ते कर्ज के चलते श्रीलंका कोलंबो बंदरगाह विकसित करने के लिए दूसरे देशों का सहयोग मांग सकता है। चीन को इस बात की खबर थी, उसने श्रीलंका से कोलंबो पोर्ट में साझेदार बनाने के लिए बहुत प्रयास किए। चीन ने हम्बनटोटा पोर्ट के लिए श्रीलंका के साथ हुई कुछ शर्तों में छूट देने का लालच भी दिया। चीन द्वारा ऐसा करने की बड़ी वजह यही थी कि वह श्रीलंका के दोनों पोर्ट पर अधिकार चाहता था। चीन को आभास था कि कोलंबो पोर्ट को विकसित करने की दौड़ में भारत और जापान की जोड़ी काफी आगे है। चीन किसी भी हालत में इन दोनों देशों को श्रीलंका से दूर ही रखना चाहता था, पर चीन की चालियां कामयाब नहीं हो सकी और भारत जापान ने कोलंबो पोर्ट को लेकर समझौता कर लिया। यह जापान का बड़ा दिल ही कहा जा सकता है, जो वह श्रीलंका को 40 साल के लिए कर्ज दे रहा है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि इसके अलावा कर्ज चुकाने के लिए 10 साल और अतिरिक्त दे रहा है। मतलब साफ है, लोकतांत्रिक देशों की यह खूबसूरती होती है कि वह दूसरे देशों की भावनाओं का सम्मान करते हैं। चीन जैसा जालसाज मुल्क पाकिस्तान और मलेशिया जैसे गरीब मुल्कों को मोटे ब्याज पर पैसा देकर उन्हीं की जमीनें हथिया लेता है। बड़ी बात यह है कि जितना दोषी चीन है, उससे ज्यादा दोषी पाकिस्तान जैसे मुल्क है, जो जनता की भावनाओं का सम्मान नहीं करके केवल अंध प्रतिकार में स्वयं ही नेस्तनाबूद होते रहते हैं। पर फिलहाल तो राहत की खबर भारत के लिए है। अब चीन हम्बनटोटा पोर्ट पर बैठकर भारत को घुड़की नहीं दे सकेगा। उससे थोड़ी ही दूरी पर भारत और जापान की जोड़ी एक साथ बैठी होगी, जो चीन की जीभ खींचने के लिए काफी है। मतलब हम्बनटोटा का जवाब कोलंबो पोर्ट। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।